तो हम लोग सूरत से निकल चुके हैं, अहमदाबाद का बहुत देर हो गया है। तो सूरत से जब आएंगे, सूरत से लेके बड़ोदरा तक रोड मतलब बहुत ही रश है, ट्रैफिक भरा रहता है, तो आपको गाड़ी चलाने में इतना वो फील नहीं आएगा, ड्राइविंग का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप बड़ोदरा पहुँचेंगे, बड़ोदरा से लेके अहमदाबाद तक एक एक्सप्रेस वे है, वो काफ़ी सुंदर है और वेल मेंटेन्ड है। तो यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है और एक ही स्ट्रेच रोड है, यहाँ पर ज़्यादा यू टर्न नहीं है, लेफ्ट राइट से कोई आ नहीं सकता क्योंकि एक्सप्रेस वे है। जिसको भी लेफ्ट राइट जाना है तो पूरा ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है दूसरे एरिया को कनेक्ट करने के लिए, तो पूरा सीधी सड़क है। तो अभी जिससे मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, अभी देखिए पूरा 43 किलोमीटर अहमदाबाद है यहाँ से, तो बड़ोदरा से लेके अहमदाबाद तक तो कुछ 100 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेस वे है। तो वो 43 किलो अभी जो नेक्स्ट एग्जिट आएगा 43 किलोमीटर के बाद आएगा। सोचा आप इस रोड पे हैं, अब ना यू टर्न कर सकते ना एग्जिट, सीधे जाके अहमदाबाद के पास ही है एग्जिट मिलेगा। तो ऐसे सिर्फ मुझे लगता है पूरे एक्सप्रेस वे में 3-4 जो एग्जिट है, एंड आप आराम से यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मतलब बहुत मज़ा आएगा यार ड्राइव करने के लिए, और रोड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी सुंदर है और बनाया गया है, जो क्वालिटी ऑफ रोड भी अच्छा है। आप साइड में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में जैसा वो गार्डनिंग का है, जो प्लांटेशन हुआ है उसको भी बहुत वेल मेंटेन किया रखा गया है, तो काफ़ी सुंदर है। तो जब आप आगे अहमदाबाद जाएंगे, आपको ये ड्राइव अहमदाबाद से बड़ोदरा से अहमदाबाद का जो एक्सप्रेस वे का ट्रिप रोड ड्राइव आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कोई बहुत फेमस एक्सप्रेस वे है जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब तक चला के पता चल रहा है कि काफ़ी सुंदर है और खुली खुली सड़कें हैं। लिखा है नो यू टर्न, तो यहाँ पर गए तो गए, आप सीधे जाके जहाँ पर एक्सप्रेस वे खत्म होगा तभी पहुँचेंगे। अहमदाबाद जाने वाली एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे काफ़ी सुंदर है और आप देख सकते हैं, अगर वीडियो में पता चलेगा राइट साइड में जो फूल वगैरह लगाए गए वो भी बहुत अच्छे से कटिंग करके रखा है, बहुत सुंदर है ये रोड। तो यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने में अच्छा लगेगा, वहाँ पर लिखा हुआ था एक्सप्रेस वे टू प्रॉस्पेरिटी, तो ये रोड सुंदर है और बहुत सीधी वाली रोड है ये, यहाँ पर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं।
और ट्रैफिक वाइज भी इतना भीड़ नहीं है, और मुझे लगता है ये रोड में आप रात में भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइडर के बीच में जो प्लांटेशन हुआ है उनका भी हाइट काफ़ी अच्छा है, तो आपके ऊपर लाइट्स वगैरह रात को गिरेंगे नहीं ऑपोजिट साइड से। और यहाँ पर रास्ते में रुकने के लिए लिखा है कि डू नॉट स्टॉप, तो यहाँ पर आप खड़े होके फटाफट खींच नहीं सकते। और ये ऐसा एक्सप्रेस वे यहाँ पर बीच में से कोई मतलब एंटर करने का रास्ता नहीं है, जो भी रोड के हाईवे के ऊपर गया है सारे देखे आगे आ रहा है, ब्रिज बना दिया गया है, तो ये एक्सप्रेस वे पर सीधी है, आप आराम से चला सकते हैं, तो कोई दौड़ के आएगा लेफ्ट राइट से ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, ये पूरी सीधी रोड है। ये देखिए, अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो हर जगह में हर 10-15 किलोमीटर में इन लोगों ने ओवर ब्रिज बनाया है हाईवे क्रॉस करने के लिए। स्पॉट एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये रोड जब अच्छा है। जगह लिखा है कि लेन ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग, एक्चुअली मेरा भी रोड का एक्सपीरियंस ऐसा है, इतना अभी तक 50,000 किलोमीटर लास्ट एक ईयर वन ईयर में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बाय रोड, तो अगर हर कोई लेन ट्रैवल करेंगे, लेन को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली ट्रैफिक भी बहुत कम रहेगा और आप स्मूथली गाड़ी चला सकते हैं, बट मेजोरिटी लोग लेन फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर रोड खाली है आप ओवरटेक कर सकते हैं, बट मेजोरिटी लोग एक दो सेकंड का भी गैप मिलता है वहां पर अंदर जाके इसे लेफ्ट राइट होते रहते हैं। इधर भी और एक ब्रिज आ गया, अगर रोड क्रॉस करना है इधर तो बना दिया गया है। पर बहुत दूर दूर तक एग्जिट नहीं है, अगर आप गलत सोचे टर्न लगे इस हाईवे में घुस गए तो आपको करीबन 25-30 किलोमीटर के बाद ही जाके यू टर्न मिलेगा एग्जिट करने के लिए। तो आप अगर अहमदाबाद या दूसरे कोई लोकेशन जा रहे हैं तो प्रॉपरली देख के इस एक्सप्रेस वे में जाइए।